खड़े हो जाओ इमरान खान के साथ हुसैन के इनकार की तरह। वजह से मिली है कि इमरान खान खड़ा रहा है, उसका कारकुन खड़ा रहा है और अपना हौसला नहीं हारा। मैं खासकर इस मौके पर हमारी खवातीन मेंबरान कंवल शोभत साहिबा और उनके साथ जितनी हमारी वुमेन विंग की वर्कर्स हैं, नादिया खटक बीबी भी खड़ी, मैं उनको स्पेशल अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने ऐसा एक मुकदमा नहीं देखा, मैंने ऐसी एक तारीख एक पेशी नहीं देखी जिस पे ये हमारी छोटी बहन मौजूद नहीं होती थी। साथ में वो काम किया है अपना एक एक कौमी फरीजा समझ के, सलमान राजा साथ खड़े हैं, ये नियाजुल्लाह नियाजी साहब खड़े हैं, बैरिस्टर गौहर, तमाम हमारी लीडरशिप, सरदार खोसा यहाँ पे खड़े हैं, सब ने अपना किरदार अदा किया है, स्पेशली ILF। और ये जीत मुबारक हो। और आज फिर प्रिजन वैन आए थे, आज फिर प्रिजन वैन खड़ी थी। ये प्रिजन वैन मंगाने का सिलसिला बंद करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बड़े बड़े ट्रक लाने का सिलसिला बंद करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, यहाँ आइन की हुक्मरानी होगी। इस मुल्क को काले कोर्ट ने बनाया था, इस मुल्क को एक वकील ने बनाया था, एक सियासी कारकुन ने बनाया था, और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि सब लोग अपना अपना काम करेंगे, पॉलिसी सिविलियंस बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट हमारे इदारे करेंगे। आज आइन की जीत हुई है। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए ये बात की थी कि मैं उम्मीद रखता हूं एक ऐसा फैसला आएगा जिससे आइन पाकिस्तान की जीत होगी, जिससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी। आज वही हुआ है, लेकिन ये काम अभी अधूरा है, ये काम अभी अधूरा है, हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। असल काम जो है, मैं आज काजी फायज इस हिसाब से कहना चाहता हूं, आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन पड़ी है 184-3 की, आप वो पिटीशन लगाएं और इस सिलेक्शन का ऑडिट करें, हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। ये आधा काम हुआ है, आधी कामयाबी है, हमें हमारा पूरा मैंडेट और हमारा लीडर बार चाहिए। 25 करोड़ आवाम को इमरान खान बार चाहिए, 25 करोड़ आवाम को इमरान खान पार्लियामेंट में चाहिए, 25 करोड़ आवाम का हक है कि उनका लीडर उनको लीड करे। जब लीडर बाहर निकलेगा, कौम के तमाम मसाइल हल होंगे। एक बार फिर पाकिस्तानी कौम को जुमातुल मुबारक के इस मुबारक दिन हक की जीत मुबारक हो, जो 9 अप्रैल की रात इस मलंग के मुंह से अल्लाह ने निकलवाया था कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए, बातिल आज एक बार फिर मिटा है, हर बार मिटेगा। ये मुहर्रम का महीना है, और मैं पूरे पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ, खड़े हो जाओ इमरान खान के साथ हुसैन के इनकार की तरह।